हेलो दोस्तों, खमागणी, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए मारवाड़ी कढ़ी। मैंने सबसे पहले छाछ को अच्छे से छान लिया है, उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 ग्लास पानी। आप दही के भी बना सकते हो। मैं डालूंगी इसमें 4 चम्मच बेसन और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने 1 चम्मच सरसों ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। आप चेक करने के लिए 2-4 दाने जीरे के डाल सकते हो। मैंने डाला आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच मेथी और हींग। आपको जो पसंद नहीं आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच सरसों दाने और 4-5 लौंग, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मैं डाल रही हूँ इसमें करी लीव्स। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 प्याज बारीक कटा हुआ। हम इसको अच्छे चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। आप देख सकते हो प्याज अच्छे से भून चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। मैं डाल रही हूँ इसमें ये घोल। मैं डालूँगी इसमें 1/2 कप पानी। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। जब तक कढ़ी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें इसे हिलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो हमारी कढ़ी फट सकती है। आप इसे जितनी पकाएंगे उतनी टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आने लग गया और हमारी कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। आप इसे भी ऐसे भी खा सकते हो और तड़का लगा के भी खा सकते हैं। आधा चम्मच सरसों वाला अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है। उसे डालेंगे कढ़ी में। बहुत टेस्टी लगती है। आप बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। आप इसे राइस के साथ, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने डाला है इसमें हरा धनिया और मैं इसको कर रही हूँ सर्व। आप देख सकते हैं कितनी लजीज लग रही है। मेरे चैनल पे विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच।